टॉपिक है हमारा वैलेंस वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो ये जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है इसको हम इन शॉर्ट बोलते हैं वीबीटी। अब एक बात समझना, ये जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी थी ना, ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी भी दो तीन टाइप की है। मतलब एक होती है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और कोवेलेंट कंपाउंड, कोवेलेंट कंपाउंड, और एक होता है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी फॉर कोऑर्डिनेट कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ठीक है, तो हमें जो पढ़ना है, क्योंकि हम हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में बात हम कर रहे थे, मेटल लाइगेंड बॉन्डिंग की हम बात करते हैं। तो इसलिए हमें पढ़ना है वीबीटी फॉर कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स, ठीक है ना, या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बारे में वीबीटी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने क्या पोस्टुलेट्स दिए, क्या एक्सप्लेनेशन दी कंपाउंड्स के बारे में। ठीक है ना, मतलब कोई भी थ्योरी हो, वो थ्योरी जो है उन पर्टिकुलर कंपाउंड्स के अंदर उनकी बॉन्डिंग, उनकी स्ट्रक्चर, उनसे रिलेटेड कुछ पोस्टुलेट्स देती है, जिनके बेसिस पे हम उन वो जो थ्योरी थी आपकी उसको हम समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि जो वीबीटी थी, वीबीटी जो प्रपोज की थी वो की थी पोलिंग ने, साइंटिस्ट थे उसके पोलिंग, ये भी ध्यान रखना, पेपर में आपके यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है, पोलिंग ने 1931। ठीक है ना, तो वीबीटी वॉज प्रपोज बाई पोलिंग इन 1931। ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे आप यहाँ पे। तो जो पोलिंग थे उन्होंने कुछ पोस्टुलेट्स दिए, कुछ पोस्टुलेट्स दिए। पोस्टुलेट्स का मतलब होता है पॉइंट्स, पॉइंट्स वे पॉइंट्स जिनके थ्रू हम वीबीटी को समझेंगे, ठीक है ना, उनको हम बोलते हैं पोस्टुलेट्स। तो उसमें जो पहला पोस्टुलेट था वो था कि जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होंगे, ठीक है ना, जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होंगे उनके अंदर जो सेंट्रल मेटल एटम होता है, सेंट्रल मेटल एटम होता है कॉम्प्लेक्स के अंदर, वो क्या करता है, वो एम्प्टी ऑर्बिटल्स प्रोवाइड कराता है किसको, लाइगेंड को। यानी कि इन्होंने कहा, इन्होंने कहा कि जो सेंट्रल मेटल एटम जो होगा प्रोवाइड्स एम्प्टी ऑर्बिटल्स और लाइगेंड्स। ठीक, पहला पॉइंट उन्होंने क्या दिया कि सेंट्रल मेटल एटम जो था वो लाइगेंड के लिए एम्प्टी ऑर्बिटल प्रोवाइड कराता था, और एम्प्टी ऑर्बिटल भी कौन से, मेनली डी ऑर्बिटल, ठीक है ना, कौन से, डी ऑर्बिटल या फिर एस ऑर्बिटल या फिर पी ऑर्बिटल सारे। और वही उसका क्या करता था, कोऑर्डिनेशन नंबर डिसाइड करता था। ठीक है ना, ये जो ऑर्बिटल्स थे, जितने ऑर्बिटल सेंट्रल मेटल एटम लाइगेंड्स को प्रोवाइड कराएगा उतने ही वो लोन पेयर को ले सकता है, उतने ही उसके पास क्या होगा, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। ठीक, तो ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट ये था कि जो एम्प्टी ऑर्बिटल थे किसके, सेंट्रल मेटल एटम के, सेंट्रल मेटल एटम के जो एम्प्टी ऑर्बिटल्स थे वो पहले क्या करते थे, हाइब्रिडाइज होते थे आपस में। ठीक, सेंट्रल मेटल एटम के जो ऑर्बिटल्स थे, एम्प्टी ऑर्बिटल्स ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, एम्प्टी ऑर्बिटल्स ऑफ सेंट्रल मेटल एटम हाइब्रिडाइज टू गिव इक्वल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ सेम एनर्जी। इसका मतलब यह है, जो दूसरा पॉइंट था कि जो सेंट्रल एटम ने अपने एम्प्टी ऑर्बिटल्स लाइगेंड के लिए प्रोवाइड कराए थे, तो लाइगेंड को देने से पहले उनके जो ऑर्बिटल्स थे वो हाइब्रिडाइज करते थे, और हाइब्रिडाइज करने पे वो उतनी ही संख्या में सेम एनर्जी के ऑर्बिटल्स बनाते हैं। ठीक है ना,
तो अब यहाँ पे इसके बारे में एक चीज आप समझ लो कि जो हाइब्रिडाइजेशन था सेंट्रल मेटल एटम का, वही क्या करता था, वही उस कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री को डिसाइड करता था। तो उसके लिए आप एक चीज ध्यान रखना, ये मैंने आपको कल भी लिखवाया था, कोऑर्डिनेशन नंबर ध्यान रखना सबसे पहला, फिर उनका हाइब्रिडाइजेशन, फिर उसकी ज्योमेट्री और फिर उनके एग्जाम्पल्स। ये जो एग्जाम्पल्स मैं आपको इसमें लिखा हूंगा ना, ये एग्जाम्पल्स तो आप सारे रट लेना, ठीक। अगर किसी कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन नंबर 2 था तो उनका हाइब्रिडाइजेशन क्या था, sp, उसकी ज्योमेट्री कैसी होनी थी, लीनियर, ये भी मैंने आपको कल बताया था। और एग्जाम्पल उसके कौन कौन से थे, ag, NH3 की ट्वाइस और उसके पास माइनस वन प्लस चार्ज, क्योंकि NH3 न्यूट्रल था तो जो ag प्लस था वही प्लस यहाँ रहेगा, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल हो जाएगा ag CN2 माइनस, ठीक। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर आपका 3 है, सलोनी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, इनसे है संयोजक, क्या बोलना है हिंदी में, इसे मैं हिंदी में पूछ रहा हूँ क्या कहते हैं इसे, पहले हिंदी में तो बताओ मुझे। उप सहसंयोजन संख्या। उप सह सहयोग, जो लाइगेंड मेटल से जुड़ा रहा है, जितने भी बॉन्ड्स है वो जुड़ा रहा है, ठीक है, जितने या ऐसा सही कह है। सकते हो, हाँ, लाइगेंड, जितने बॉन्ड्स लाइगेंड मेटल के साथ बना रहे हैं, अच्छा तो अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 3 था तो हाइब्रिडाइजेशन होगा इसका sp2, और sp2 उसकी ज्योमेट्री कैसी होगी, ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक। बाइपिरामिडल, नहीं, ए देवी जी, प्लेनर बाई पिरामिडल नहीं, hg खिजी मत निकाल लिया जाता है, hg(I3- माइनस, ठीक है। अगर मान लिया कोऑर्डिनेशन नंबर है 4, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में दो स्थिति बनती है, कल भी बताया था मैंने आपको, एक तो sp3 और एक dsp2। अगर को हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो sp3 में ज्योमेट्री कैसी होती है, टेट्रा हेड्रल पीयूष, इसे ना आंख खोल के देखिए और कान खोल के सुनियो और फिर मुंह से बोल के रट लियो, टेट्राहेड्रल। और अगर dsp2 था तो वो होता था स्क्वायर प्लेनर, ठीक है। एग्जाम्पल्स टेट्राहेड्रल के एग्जाम्पल्स ध्यान रखना, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन पूछा एग्जाम्पल दे गए, टेट्राहेड्रल के एग्जाम्पल है आपके पास Ni CO4, दूसरा Zn NH3 4+2, ठीक है। और अगर हम बात करेंगे स्क्वायर प्लेनर की तो इसमें हो जाएंगे Ni CN4 2-, इसके अलावा Pt NH3 4 Pt NH3 4+2, उसके अलावा Cu NH3 4 Cu NH3 4। एग्जाम्पल बहुत इम्पोर्टेंट है, इससे क्वेश्चन कई आएंगे, ये 3 एग्जाम्पल याद रखना इसके, स्क्वायर प्लेनर के, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 इम्पोर्टेंट था, और अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में दो टाइप की हाइब्रिडाइजेशन होंगे, एक होगा d2sp3 और एक होगा sp3d2। बट एक ही बात ना सिंपल चीज ये, एक ही बात क्यों होगी, सेम चीज ये है कि दोनों के केस में ज्योमेट्री कैसी होगी, ऑक्टाहेड्रल। बट ऑक्टाहेड्रल, अगर d2sp3 है तो ये होगा इनर ऑर्बिटल, इनर ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल, ठीक है ना। और इसको हम कहेंगे आउटर ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल, इन्हीं के समय अंदर वाले डी ऑर्बिटल यूज होते थे, कहने का मतलब ये तो 3d 3d था और ये जो डी ऑर्बिटल थे ये 4d के थे, ये भी ध्यान रखना आप, ये जो इनर ऑर्बिटल वाले होते हैं उसमें डी ऑर्बिटल कौन से होते हैं, 3d के, अंदर के और जो आउटर वाले होते हैं उसमें 4d के, फोर यानी डी बाहर वाले, ठीक है। जो हम
आपके सिंपल जो कॉम्प्लेक्स थे। अब इनके एग्जांपल कौन कौन से हो जाएंगे, इनर ऑर्बिटल वालों के एफ FeCN6 सी एन सिक्स फोर नेगेटिव, इसके अलावा सी ओ NH36 प्लस थ्री, ये इंपॉर्टेंट है, इस पर स्टार लगा लेना, बताऊंगा बाद में क्यों। ठीक है, इसके अलावा हम बात करेंगे अगर आउटर ऑर्बिटल की, तो ये हो जाएंगे Fe F6 3 माइनस, और Fe H2O6 प्लस टू। तो ये पूरी टेबल जो है, इस पूरी टेबल को बड़े ध्यान से इसको मतलब याद रखना है आपको, ठीक है जी। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, अभी नोट करना मत, नोट मत करना, बाद में कर लेना। हो गया। ठीक, इसके बाद ये सेकंड पॉइंट हुआ। थर्ड पॉइंट होगा इसका, मतलब पॉइंट्स तो उसमें इसके काफी दिए हुए हैं, बट उनकी हमें सारे पॉइंट्स को मतलब सारे पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, कुछ पॉइंट मैं आपको ओरली बता दूंगा। नेक्स्ट पॉइंट इसमें ये था कि जो डी ऑर्बिटल यानी कि जो सेंट्रल मेटल एटम के डी ऑर्बिटल्स थे, वो आपके दो टाइप के डी ऑर्बिटल यूज होते थे। एक तो आपके होते थे जो n-1d ऑर्बिटल, n-1d ऑर्बिटल, और दूसरे nd ऑर्बिटल। n-1d वाले जो होते थे उनको हम बोलते थे इनर ऑर्बिटल, ठीक है ना, इनर ऑर्बिटल। और जो nd ऑर्बिटल थे वो कौन से थे, आउटर ऑर्बिटल, यानी कि जो क्या बोलते हैं, जो ट्रांजिशन मेटल थी, सेंट्रल मेटल एटम था, वो लाइगेंड को दो तरह के डी ऑर्बिटल दे सकता था, या तो अंदर वाले या फिर बाहर वाले। ठीक है, अगर अंदर वाले होते थे तो हाइब्रिडाइजेशन होता था d2sp3, और अगर बाहर वाले होंगे तो sp3d2। ठीक है, समझ आई बात। इसके बाद उन्होंने कहा ईच लाइगेंड हैज एटलीस्ट वन ऑर्बिटल कंटेनिंग अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि ईच लाइगेंड कंटेन एटलीस्ट वन लोन पेयर, एक तो होना ही चाहिए, एक से ज्यादा बेशक हो जाए। ठीक है, ये सब चीजें जो आपको मतलब ध्यान रखनी है कि क्या क्या बातें उन्होंने करी थी। पांचवा, उन्होंने कहा कि जब लाइगेंड जो है, लाइगेंड जब आपका मेटल की तरफ अप्रोच करता है, जैसे कि मान लीजिए मेटल लाइगेंड की बॉन्डिंग होगी तो क्या होगा, लाइगेंड्स जो है जब वो मेटल की तरफ जो है आएंगे, तो उस कंडीशन में जो फिल्ड इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स थे, मतलब वे ऑर्बिटल्स जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स थे, ठीक है, तो वो जो इलेक्ट्रॉन्स वहां पर होंगे, मतलब उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स थे, वो इलेक्ट्रॉन्स आपके लाइगेंड को देख करके, लाइगेंड के स्ट्रेंथ को देख करके, वो इलेक्ट्रॉन्स आपके मतलब या तो पेयर हो जाएंगे, या फिर अगर लाइगेंड आपका वीक है तो वे फिर अनपेयर्ड ही रहेंगे। इसका मतलब ये था कि यहाँ पे जैसे हमने कहा था ना आपसे कि भाई किसी किसी के केस में तो क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स आपके पेयर हो जाते हैं, किसी किसी के केस में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स आपके पेयर नहीं होते। जिनके केस में इलेक्ट्रॉन्स पेयर हो जाते थे उनको हम बोलते थे स्ट्रोंग लाइगेंड, और जिनके केस में जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो पेयर नहीं होते थे उनको हम बोलते थे वीक लाइगेंड्स। ठीक है, इसके अलावा और उन्होंने क्या कहा, इसमें हो जाएगा फिर इसके बाद ड्यूरिंग कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ड्यूरिंग कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, जब कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होगा तो वहां पे हुंड्स का नियम फॉलो होगा, हुंड्स रूल स्ट्रिक्टली फॉलोड, यानी कि जब कॉम्प्लेक्स बनता है, जब लाइगेंड्स आपके क्या बोलते हैं मेटल की तरफ अप्रोच करेंगे, तो उस कंडीशन में हुंड्स रूल जो है वो स्ट्रिक्टली फॉलो होना चाहिए। होना हुंड्स रूल क्या था, हुंड्स रूल ये कहता था कि इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग तभी होगी जब उस कंडीशन
सब सेल के हर एक ऑर्बिटल के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। बात समझ में आई? हाँ जी, हुंस रूल तो पता है ना आपको। तो ये सब जो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दी है, ये सारी एक्सप्लेनेशन जो थी ये सब हमने वीबीटी के थ्रू पढ़ी। अब वीबीटी के थ्रू फिर उन्होंने कुछ कॉम्प्लेक्स लिए, फिर उन कॉम्प्लेक्स के बारे में हमें उनका एक्सप्लेनेशन दे दिया। इसमें हमारा जैसे एक एग्जांपल ले लिया मैंने, CO NH3 6 + 3। इसको ध्यान रखना, ये जो इनके एग्जांपल्स होंगे, अगर मैं इसकी बात करता हूँ इस कॉम्प्लेक्स के बारे में, क्या क्या इसकी स्ट्रक्चर इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं, तो कोबाल्ट है, कोबाल्ट कितना एटॉमिक नंबर 27, कितना कोबाल्ट है ये 27 होगा, तो 27 में लास्ट में क्या होता है 4s2 3d7। अब कोबाल्ट जो यहाँ पे इसके अंदर होगा, कोबाल्ट प्लस थ्री स्टेट में है, किसमें है प्लस थ्री स्टेट में, ये आप निकाल सकते हैं कोबाल्ट के ऑक्सीडेशन स्टेट। मैंने आपको बताया था एक चीज, अगर मान लिया लाइगेंड आपका न्यूट्रल है तो जो चार्ज यहाँ होता है वही इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है ना, जरूरत ही नहीं निकालने की, कैलकुलेट करने की। तो जो CO प्लस थ्री होगा उसमें क्या होगा, दो इलेक्ट्रॉन तो ये निकल जाएंगे और एक यहाँ से, तो क्या बचेगा 3d6। हमें केवल ये चाहिए, डी में छह, यानी कि 1 2 3 4 5 और 6। अब 6 इलेक्ट्रॉन है। एक बात याद रखना आप कि जब ये तो हमने कोबाल्ट प्लस थ्री के लिए उसका जो ऑर्बिटल्स थे ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन निकाल लिया, बट जब मैं कॉम्प्लेक्स की बात करूंगा तो कॉम्प्लेक्स के अंदर क्या होगा, कॉम्प्लेक्स के अंदर अब लाइगेंड अप्रोच करेंगे CO प्लस थ्री की तरफ। जब लाइगेंड अप्रोच करेंगे तो लाइगेंड के अप्रोच करने पर जो NH3 था, देखो ये बात नोट करके लिख लेना यहाँ पर, ठीक है ना, कि जो NH3 है, NH3 नॉर्मली वीक लाइगेंड की तरह काम करता है, बट अगर CO प्लस थ्री होगा, सुनना ध्यान से, CO प्लस थ्री होगा तो उस कंडीशन में NH3 स्ट्रॉन्ग लाइगेंड की तरह काम करेगा। ये चीजें हमें पता लगी जब हमने एक्सपेरिमेंटली उसके रिजल्ट्स देखे, जब हमने इस कॉम्प्लेक्स के अंदर, जब हमने इस कॉम्प्लेक्स के अंदर इनका मैग्नेटिक मोमेंट निकाला तो वहां पे हमें कोबाल्ट के इसके CONH3 6 के अंदर एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं मिला। जब हमने इसका मैग्नेटिक बिहेवियर चेक करा तो हमने देखा कि जब ये लाइगेंड इसकी तरफ अप्रोच करेंगे तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स थे ये इलेक्ट्रॉन सारे के सारे पेयर हो जाएंगे। 6 इलेक्ट्रॉन थे तो 6 के 6 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो पेयर हो जाएंगे, और इलेक्ट्रॉन पेयर कब होंगे, जब NH3 किसकी तरह काम करेगा, स्ट्रॉन्ग लाइगेंड की तरह। बात समझिए, कब करेगा वो, जब कोबाल्ट प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट में है ना, वो प्लस थ्री में तो फिर नहीं करेगा, फिर वीक की तरह करेगा, फिर पेयरिंग नहीं हो पाएगी ये, ठीक है ना, फिर इलेक्ट्रॉन्स ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूट रहेंगे और उस कंडीशन में क्या रहेगा, पैरामैग्नेटिक। बट अगर यहाँ पे प्लस थ्री में था तो ये क्या हो गया, डायमैग्नेटिक। अब यहाँ पे क्या है, ये तो आपका 3d था, ये 4s, ये 4p, ये 4d, ठीक है ना। तो अब लाइगेंड कितने थे, 6, 6 में 2 ये हो गए, 3 4 5 6, तो ये आपके ये जो 6 ऑर्बिटल थे 1 2 3 4 5 6, ये 6 ऑर्बिटल आपस में मिलके 6 नए कौन से, ये भी संकरण करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन करेंगे, तो d2 1s और 3p, तो क्या बनाएंगे, ये d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन करते हैं ये, ठीक है, और 6 ही d2sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं, तो इसलिए इसकी जो मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री वो कैसी हो जाएगी, ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। ये बैकग्राउंड में जो म्यूजिक चल रहा है सब बंद कर लो, ठीक। दूसरा, अब यहाँ पे कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं था, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है,
इसलिए कैसा हो जाएगा ये डायमैग्नेटिक, ठीक है। और डायमैग्नेटिक था, अब लाइगेंड जब आपका स्ट्रोंग था, एक बात सुनो, लाइगेंड जब आपका स्ट्रोंग था तो अगर स्ट्रोंग लिगेंड होता है, सुनो ध्यान से, अगर लिगेंड स्ट्रोंग होता है और वो सारे इलेक्ट्रॉन्स को पेयर्ड कर दे, पेयर्ड, तो यहाँ पर स्पिन तो बची नहीं किसी की भी, सारे की सारी स्पिन क्या हो गई, जीरो। और जब स्पिन जीरो हो जाती है तो उसको क्या बोलते हैं हम, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना, बात समझ में आई है। अब यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एनर्जी का तो जीरो था, तो म्यू की वैल्यू क्या होगी, 0 × 0 + 2 = 0, तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या रहेगा इसका, जीरो। तो जो डायमैग्नेटिक मॉलिक्यूल होते हैं, डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स होते थे, उनका जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो क्या होता है, जीरो। बात समझ में आई कुछ, ठीक जी है। सर। चलो जी, तो ये तो हमने बात की इसकी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की, अब हम बात करेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के लिमिटेशंस की, ठीक है। मतलब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने क्या करा, ये तो आपने देख लिया, मैग्नेटिक बिहेवियर बता दिया, ठीक है ना, बहुत सारी चीजें बता दी, बट वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ये नहीं बता पाई कि लाइगेंड स्ट्रोंग क्यों था और वीक क्यों था, ठीक है। मतलब कौन सा लाइगेंड स्ट्रोंग है, कौन सा लाइगेंड वीक है, ये कह दिया बस, कि मेटल ने इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स प्रोवाइड करे और लाइगेंड ने अपने इलेक्ट्रॉन दे के वहां पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लिए। तो अब हम बात करेंगे इसकी लिमिटेशंस की, लिमिटेशंस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। सबसे पहले लिमिटेशन, लिमिटेशन का मतलब क्या होता है, जैसे हर इंसान की लिमिटेशन होती है कि वो किसी काम को नहीं कर पाता, ऐसी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की भी लिमिटेशन थी। तो सबसे पहला लिमिटेशन क्या था कि ये जो वीबीटी थी, वीबीटी ने 5 कोऑर्डिनेशन नंबर वाले कॉम्प्लेक्स के बारे में कुछ नहीं बताया, 2, 3, 4 और फिर 6 पे आ गए, ठीक है ना, तो नो इन्फॉर्मेशन, कोई भी इन्फॉर्मेशन इन्होंने 5 वालों के बारे में नहीं दी। दूसरा, ये स्पेक्ट्रा नहीं बता पाया, स्पेक्ट्रा डज नॉट एक्सप्लेन, ठीक है ना, ये कॉम्प्लेक्स का स्पेक्ट्रा, यानी कॉम्प्लेक्स कलर कौन सा देगा उसको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया, या स्पेक्ट्रा क्यों शो, कलर क्यों शो कर दिया कोई भी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तीसरा, ये जो, एक सेकंड भाई, इसके बाद इन्होंने जो है इनर और आउटर ऑर्बिटल के बारे में कोई सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन नहीं दी, नो सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन, अबाउट इनर एंड आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ठीक है, इनर और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स के बारे में ये कोई सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाई, ठीक है। फोर्थ, ये जो था, इन्होंने जो ज्योमेट्री थी, ठीक है ना, सेम मेटल जो था, सेम मेटल डिफरेंट कंपाउंड के अंदर, मतलब कैसे उसकी ज्योमेट्री जो थी उसको वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए, मतलब जैसे कि मान लिया आपको कोई मेटल है और वो मेटल, एक ही मेटल अलग अलग लाइगेंड के साथ मिलकर अलग अलग कॉम्प्लेक्स बना रही है, तो उनकी जो ज्योमेट्री थी उसको भी ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए। इसके अलावा ये जो था, ये जो थ्योरी थी, ये थ्योरी ये नहीं बता पाई कि अगर कोऑर्डिनेशन नंबर चार था तो आपका कॉम्प्लेक्स टेट्राहेड्रल होगा या वो स्क्वायर प्लेनर होगा, इसके बारे में भी वो कोई सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाई, ठीक है। दूसरा, वो फिफ्थ हो जाएगा इसके बारे में, कि जो रिएक्शन रेट था, मतलब ये जो थ्योरी थी, दिस थ्योरी डज नॉट एक्सप्लेन द रिएक्शन रेट, मतलब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का जो रिएक्शंस का जो रेट होता है उसको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाई, एंड मैकेनिज्म, जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स की जो रिएक्शन थी उनके बारे में भी ये नहीं, मतलब एक्सप्लेन कर पाए,
और इसके अलावा एक लास्ट पॉइंट है जी, नो एक्सप्लेनेशन, नो एक्सप्लेनेशन, ये पांचवे में क्या है सर, रेट एंड मैकेनिज्म, नो एक्सप्लेनेशन अबाउट कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन। ठीक है, तो ये छह पॉइंट है, ये मैंने आपको शॉर्ट शॉर्ट लैंग्वेज में एक्सप्लेन करके बताए हैं। मतलब ये वे पॉइंट्स थे, ये वो सब पॉइंट्स थे जिनको वीबीटी एक्सप्लेन नहीं कर पाई, ठीक है ना। और जब वीबीटी एक्सप्लेन नहीं कर पाई तो इन पॉइंट्स को एक्सप्लेन करने के लिए सीएफटी को इंट्रोड्यूस करा गया, फिर एक नई थ्योरी आई, सीएफटी ने इन पॉइंट्स में से कुछ पॉइंट्स पर काम करा, सीएफटी भी सारे पॉइंट्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाई। तो हमारे सिलेबस में जो है वो सीएफटी है, तो अब हम सीएफटी पढ़ेंगे। बात समझ में आई है? हाँ जी सर। ठीक है।